हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है रूपा का घर और इधर सुबह का वक्त है। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पे रूपा जग चुकी है। अरे कितना सर्दी का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है। इस बार सर्दी के मौसम में इतना ज़्यादा सर्दी लग रहा है कि मत ही पूछो इस बार इतना क्यों सर्दी पड़ रहा है। अच्छे अच्छे अरे मेरे मुझे तो जुखाम ही पकड़ ली है। अब मैं क्या करूं, मेरे को जुखाम पकड़ी है तो बच्चे को भी पकड़ लेगी, चिकू को भी जुखाम हो जाएगा। और इधर श्याम और सोनम भी सोए हैं, तबीयत भी ख़राब है दोनों की। अच्छे अच्छे अरे क्या करूं, सोनम और श्याम को भी तो जुखाम पकड़ी है, तबीयत सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दोनों के लिए काढ़ा बना देती हूँ। अच्छे हे भगवान, हम सबको जुखाम इतना थाम लिया है कि जुखाम अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काम करती हूँ, गरम गरम काढ़ा पी लेंगे, शायद जुखाम ठीक हो जाए। मैं जाती हूँ, अदरक का काढ़ा बना देती हूँ, पी कर देखते हैं क्या होता है। कितना तो पी लिया है काढ़ा, लेकिन ये जुखाम सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर्दी कम होगी तभी तो जुखाम कम होगी, सर्दी तो इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। ऊपर से ये प्रेगनेंसी और चीकू को लेकर सारा काम करना पड़ता है। इस प्रेगनेंसी के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और इधर जुखाम भी बहुत ही ज़्यादा है। क्या करूं, जल्दी से जाकर अदरक का काढ़ा बना लेती हूं। और इधर रूपा काढ़ा बनाने के लिए चूल्हे में काढ़ा चढ़ा देती है। चलो मैं काढ़ा चढ़ा दी हूं, जल्दी से काढ़ा हो जाए, मैं श्याम और सोनम के लिए काढ़ा ले जाऊंगी। अरे ये काढ़ा जल्दी हो जाए बस। और इधर रूपा काढ़ा बनाने लगती है और इधर रूपा काढ़ा बना देती है। चलो अदरक की काढ़ा बन गई, अब मैं जल्दी से लेकर श्याम और सोनम को पिला देती हूँ, शायद ठीक हो जाए जुखाम। और मैं थोड़ा सा काढ़ा मैं भी पी लूँगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, ये जुखाम तो सही होने की नाम ही नहीं ले रही। चलो काम करती हूँ, जल्दी से काढ़ा लेकर दे देती हूँ। और इधर रूपा काढ़ा लेकर जाने लगती है। अरे जल्दी से लेकर काढ़ा दे देती हूँ। और इधर चीकू रोने लगता है। अरे चीकू बेटा चुप हो जा, तू रो मत, देख ऐसे ही मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। चुप हो जा चीकू बेटा। चलो मैं काढ़ा सोफे पे रख दी हूँ, जल्दी से जाकर सोनम और श्याम को जगा देती हूँ। सोनम सोनम बेटा सोनम, उठ जाओ। अरे श्याम उठ जाओ, दोनों के लिए काढ़ा बनाई हूँ, जल्दी से आकर काढ़े पी लो, शायद जुकाम ठीक हो जाए। जल्दी से उठो, सोने से तबीयत ठीक नहीं होगी, उठ जाओ। इतना सोओगे बाप बेटी दोनों, जल्दी से उठ जाओ, काढ़ा पी लो, शायद काढ़ा पीने से तबीयत ठीक हो जाए, थोड़ा सुधार आ जाए। अरे रूपा उठने का तो मन ही नहीं कर रहा है, नाक पूरा जाम हो गया है, बहुत ही सर्दी है। ठीक है मैं उठता हूँ, उठ जाओ सोनम बेटा। और इधर श्याम और सोनम उठकर आ जाते हैं। अच्छे अच्छे अरे पापा, काला पीने से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, काला पीने से कुछ नहीं होगा। अले सोनम बेटा पी लो, गरम गरम काढ़ा है, सेहत के लिए अच्छी होती है, चलो पी लेते हैं। अरे ये बहुत ही ज़्यादा कलुआ लगेगा पापा, मुझे नहीं पीना। अले कुछ नहीं होगा सोनम बेटा, पी लो, मैं थोड़ा पी लूँगा, तुम भी पी लेना और मम्मी भी पियेंगी, मम्मी का भी तो तबीयत ख़राब है। अच्छे अच्छे और इधर श्याम काढ़ा पीने लगता है और सोनम भी काढ़ा पीने लगती है। अरे श्याम, काढ़ा पीने से भी तबीयत शायद नहीं ठीक होगी, इतने दिनों से काढ़ा पी रहे हैं, 2 दिनों से, लेकिन तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। सबकी तबीयत खराब है, सर्दी तो बढ़ रही है, कमने का नाम ही नहीं ले रही। मैं काम करती हूँ, डॉक्टर गुप्ता को बुला लेती हूँ, एक बार चेक कर ले हम तीनों को, तबीयत खराब होती जा रही है, कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे हाँ हाँ रूपा, एक बार गुप्ता को दिखा देते हैं, पता नहीं हम सबकी तबीयत इतनी क्यों ख़राब हो गई अचानक से, और ये तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, ना सर्दी कम हो रहा है ना तबीयत ठीक हो रहा है। मैं काम करता हूँ, गुप्ता जी को फ़ोन करता हूँ। अच्छा, हम तीनों को ही देख लेंगी।
अरे हाँ, ये सही होगा। फिर चीकू भी छोटा है, उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं तो एक काम करिए, आप डॉक्टर गुप्ता को फोन कर दीजिए। ठीक है, मैं फोन कर लेता हूँ। और इधर कुछ देर बाद डॉक्टर गुप्ता आ जाती हैं। अरे रूपा श्याम ने फोन किया था, सबकी तबीयत खराब है। अरे हाँ डॉक्टर गुप्ता, 3 दिन हो गए, सबको इतना जुकाम है कि जुकाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे हाँ, सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए सबको जुकाम थम रहा है। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ सबको। अरे हाँ, डॉक्टर गुप्ता जी आइए, देखिए ना, मुझे सोनम और रूपा को बहुत ही जुकाम है, जुकाम काम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे हाँ, तुम्हें देखकर पता चल रहा है जुकाम से कितना नाक लाल हो गया है। ठीक है, सब बेड में सोइए, मैं सबको चेक कर लेती हूँ। ठीक है गुप्ता जी। और इधर सब आकर बेड में सो जाते हैं। अरे मैं चेक कर लेती हूँ। अरे श्याम, तुम्हें तो हाई फीवर है और जुकाम भी बहुत ही ज़्यादा है, ठंडी बहुत ही ज़्यादा है तुम्हें। थोड़ा ठंड से बचा करो, नहीं तो तबीयत बहुत ही बिगड़ सकती है। और तुम्हारे बॉडी में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही ख़राब है। अरे रूपा, तुम अपना ध्यान रखो, तुम प्रेग्नेंट हो, इस हालत में ज़्यादा काम करोगी और सर्दी जुकाम थामेगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। अरे हाँ डॉक्टर, क्या करूँ, घर की अकेली हूँ ना, सारा काम करना पड़ता है मुझे। अरे सोनम बेटे की तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सोनम को तो भी बहुत ही जुकाम है। चलो चीकू बेटा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख दूंगी, श्याम जाकर दुकान से ले लेना तुम। अरे हाँ, डॉक्टर गुप्ता जी, मैं दुकान से ले आऊँगा, जो भी मेडिसिन लिख दीजिए। और सबको इंजेक्शन देना होगा, मैं एक एक करके सबको इंजेक्शन लगवा देती हूँ और कुछ मेडिसिन लिख दूंगी, जाकर ले आना। मैं जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से इंजेक्शन दे देती हूँ। अरे सबकी तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सबको जुकाम ज़्यादा है और ये सर्दी भी ना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं जल्दी से इंजेक्शन लगा देती हूँ। चलो सब पीछे होकर सो जाओ। और इधर सब पीछा होकर सो जाते हैं, सबके कमर में डॉक्टर गुप्ता इंजेक्शन लगाएंगी। चलो मैं पहले श्याम को इंजेक्शन लगा देती हूँ, उसके कमर में ये मोटा वाला इंजेक्शन श्याम को लगा देती हूँ। और इधर डॉक्टर गुप्ता मोटा वाला इंजेक्शन श्याम को लगा देती हैं। अरे डॉक्टर गुप्ता, बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है, प्लीज़। अरे हाँ, ये थोड़ा दर्द करेगा, ये इंजेक्शन से जुकाम बुखार सब ठीक हो जाएगी, थोड़ा बर्दाश्त करो। चलो मैंने श्याम को इंजेक्शन लगा दिया है, अब रूपा को लगा देती हूँ। और इधर डॉक्टर गुप्ता रूपा को इंजेक्शन लगा देती हैं। चलो अच्छे से इंजेक्शन लगा देती हूँ, प्रेग्नेंट है रूपा, उसके लिए सही होगा। और इधर सोनम को भी इंजेक्शन लगा देती हैं। अरे डॉक्टर, अरे आन डॉक्टर, आन डॉक्टर, तोला बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है, प्लीज डॉक्टर। अरे सोनम बेटा, हो गया, बस हो गया। चलो मैंने सबको इंजेक्शन लगा दिया है। और इधर डॉक्टर गुप्ता सबको इंजेक्शन लगा देती हैं। अरे डॉक्टर गुप्ता, अब तबीयत ठीक हो जाएगी ना, घबराने की कोई बात नहीं है ना। अरे नहीं, कुछ दिन बाद आप सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैंने वैक्सीन लगा दिया है, इस वैक्सीन से आप सबकी जुकाम जल्दी से ठीक हो जाएगी। चलो मैं चलती हूँ, और श्याम याद कर कर मैंने जो मेडिसिन लिख कर दिया है उसे ले आना। ठीक है डॉक्टर। और इधर डॉक्टर गुप्ता चली जाती हैं। अरे मैं जब फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ, चलो मैं चलती हूँ। ये थी आज की कहानी दोस्तों। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।